केयर एंड मैनेजमेंट। बच्चों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं स्टामरिंग या फिर स्टटरिंग। इसका मतलब है बच्चों का टुकलाना या फिर रुक रुक के बोलना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टामरिंग और स्टटरिंग के बारे में और इससे जुड़े कई सवालों के जवाब देंगे जो कि पेरेंट्स ने हमें क्यूरीज भेजी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल अमेय हेल्थ केयर मैनेजमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो 5 साल से ऊपर हो गया है लेकिन अभी भी वह साफ नहीं बोलता, वह अटक पटक के बोलता है, क्या ये स्टटरिंग है? जी हाँ, ये स्टटरिंग ही है। तो आइए जानते हैं कि स्टटरिंग होती क्या है। स्टटरिंग को हम स्टामरिंग की तरह भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि फ्लो ऑफ स्पीच जो है उसका डिसरप्शन होता है। ये कई तरह की होती है जैसे कि रिपीटिशन, इसमें बच्चा एक वर्ड या कई बार कई वर्ड्स को रिपीट करता है जैसे कि कार, बस, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिपीटिशन। कई बार बच्चा दोनों बाउल और कंसोनेंट दोनों को ही रिपीट करता है जैसे कि फार, इसको हम कहते हैं कंप्लीट रिपीटिशन। और कई बार बच्चा पूरे वर्ड को ही रिपीट कर देता है जैसे कि आई वॉन्ट 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 वॉटर, इसको हम कहते हैं मल्टीपल सिलेबल रिपीटेशन। फिर आता है इंटरप्शन, इसमें एक नोटिसेबल पॉज होता है जो कि वर्ड के शुरुआत में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर आता है प्रोलोंगेशन, इसमें बच्चा कोई पर्टिकुलर साउंड किसी वर्ड की शुरुआत में बोलने के लिए ज्यादा समय लेता है जैसे कि मिल्क, ठीक है। फिर होता है इंसर्शन, इसमें क्या होता है बड़े बच्चे जब कई बार बोलते हैं तो वो ऐसे जो है बीच बीच में इंसर्ट करते हैं या फिर वो बोलते समय कई बार गहरी सांस लेते हैं, इसको हम कहते हैं इंसर्शन। स्टटरिंग जो है वो 2 से 5 साल के बच्चों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक पेरेंट की कंप्लेंट आई थी कि उनका जो बच्चा है वो 2 साल का हो गया है, एज वाइज तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो ठीक है लेकिन वो अभी भी बोलते समय अटकती है और जो साउंड्स है उनको रिपीट करती है। क्या वो ठीक हो जाएगी और वो कब बोलना जो है अच्छे से शुरू कर देगी? स्पीच डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में कनेक्शन और जॉ, थ्रोट, फेस, डायफ्राम, इनका आपस में कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज में बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिली है। इसमें क्या होता है कि बच्चा तेज बोलने के चक्कर में और वर्ड्स को जोड़ने के चक्कर में कई बार जो है डिसफंक्शनल हो जाता है, स्पीच डिसफंक्शन हो जाती है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट डिसफंक्शन। ये इसलिए होता है कि बच्चा कई बार बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत कुछ बोलना चाहता है या फिर कई बार वो बहुत ही प्रेशर में होता है जिसकी वजह से स्पीच डिसफंक्शनल हो जाती है। ज़्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र के बाद अपने आप ही बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा हो गया है और अभी भी उसको 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस प्रॉब्लम को और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक पेरेंट की क्वेरी आई थी कि उनकी बेटी जो है वो 6 साल की हो गई है, वे अभी भी स्टटर करती है, वे ठीक से क्यों नहीं बोल पाती, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली जो स्टटरिंग है वो ज़्यादातर 1% एडल्ट्स और 4% बच्चों में हम देखते हैं और ज़्यादातर ये बॉयज़ में देखी गई है, 4 गुना ज़्यादा ये बॉयज़ में देखी है गर्ल्स के मुकाबले। इसमें क्या होता है कि जिन पेरेंट्स को स्टटरिंग की प्रॉब्लम बचपन से रही होती है उनके बच्चों में भी स्टटरिंग की प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो जिन बच्चों में फैमिली हिस्ट्री रही है स्टटरिंग की उनको अपनी फ्लुएंसी जो है स्पीच फ्लुएंसी ट्रीट कराने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, उनको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक पेरेंट की क्वेरी आई थी कि उनका बच्चा जो है वो 7 साल का हो गया है और वो स्टटर करता है, अदरवाइज वो ठीक है, तो ऐसे क्या उनको इस प्रॉब्लम में सावधानी देने की ज़रूरत है? डेवलपमेंट स्टटरिंग जो है वो एक तरह का स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। कई बार बच्चों में जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की वजह से जैसे कि ADHD, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, इनकी वजह से भी स्टटरिंग हो जाती है और इन बच्चों में एटॉमिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा, हे फीवर, ये सभी देखा गया है।
ये वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स की बहुत ही क्यूरीज आई हैं। आगे दूसरी पार्ट में हम आपको और भी पेरेंट्स की क्यूरीज के सवाल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हमारा सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।